ये देख सकते हैं आप, जो राम भगवान पुल बनाए थे उसी पुल का एक पत्थर है जो कि पानी में डूबता नहीं, तैर रहा। दीवान आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मस्त, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोग को दिखाने वाले हैं समस्तीपुर का काफी फेमस मणिपुर मंदिर। गाइस मणिपुर मंदिर में अभी हम लोग आए हुए हैं और इस मंदिर को मनोकामना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग बने रहे ब्लॉग में, अब हम आप लोग को काफी विस्तार से दिखाएंगे पूरा मंदिर। गाना वाना काफी बज रहा है तो साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज भाई मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज अभी हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं और आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, दिखाते हैं कि क्या क्या है इस मंदिर में। और गाइज इस वीडियो पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि वॉइस काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी वॉइस में, और मैं वॉइस ऐसे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तो गाइज अभी हम लोग मंदिर के बाहर में और चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या क्या है इस मंदिर के अंदर। गाइज हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक तो छोटा सा मंदिर है। गाइज ये छोटा सा मंदिर बहुत पुराना है, इस मंदिर बनने से पहले यही था एक तो, जिसमें पूजा वूजा किया जाता था। अभी इस नया मंदिर को बना दिया गया है, तो ये सबसे पुराना वाला मंदिर है। और यहाँ पे नारियल फोड़ने के लिए बनाया गया है, जो नारियल लेके आते हैं वो फोड़ते हैं, जैसे कि ये फोड़ रहे हैं। गाइज यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी करना मना है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और अब सामने तो वॉइस सामने फोटोग्राफी करना मना था, तो हम लोग इस साइड आ गए हैं और इस साइड में देखते हैं कि क्या क्या है। गाइज आप लोग देख सकते हैं इधर फोटो क्लिक करने के लिए बनाया गया है, जो भी श्रद्धालु आते हैं वो फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, उसके लिए बनाया गया है। और ये शानदार मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मस्त लग रहा है। गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं छत पे, और छत पे दिखाते हैं कि छत पे क्या क्या है। गाइस अभी हम लोग छत पे आ चुके हैं और दिखाते हैं कि और क्या क्या है छत पे। गाइस इधर एक ठो मूर्ति बना हुआ है, सामने दान पेटी रखा हुआ है। गाइस जो भी श्रद्धालु आते हैं दान देते हैं, मैं भी दे दिया कुछ जो बन पड़ा मेरे से। और ये सामने देख सकते हैं, सामने भी एक मंदिर है छत के ऊपर में, और यहाँ नंदी भगवान जी हैं। और गाइस ये देख सकते हैं आप, जो राम भगवान पुल बनाए थे उसी पुल का एक पत्थर है जो कि पानी में डूबता नहीं, तैर रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में तैर रहा है। और इसके जस्ट सामने कृष्ण भगवान का मूर्ति बनाया गया है। ये पूरा हॉल है छत के ऊपर का। और इसमें भगवान शंकर जी का शिवलिंग है, उसी का पूजा किया जाता है। देख सकते हैं आप सिंगली शिवलिंग आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। बस छत पे तो अब इतना ही था, और चलिए हम लोग चलते हैं अब सीधे सबसे ऊपर टॉप पे छत के ऊपर, और छत के ऊपर से आप लोग को व्यू दिखाते हैं। गाइज हम लोग आ गए हैं छत के ऊपर, और छत के ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कि कैसा है।
आप देख सकते हैं हनुमान जी का मूर्ति है। ये 51 फीट लंबा मूर्ति है। इसे कह सकते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा हनुमान जी का मूर्ति है इस मणिपुर मंदिर में, और काफ़ी श्रद्धालु यही मूर्ति को देखने के लिए यहाँ आते हैं। गाइज, यहाँ जो कोई भी गाड़ी खरीदता है या किसी का एग्ज़ाम होता है तो वो अपना एडमिट कार्ड और गाड़ी यहीं ला के पूजा करवाते हैं मणिपुर मंदिर में, और यहाँ आने के बाद सभी की मनोकामना पूरी होती है ऐसा कहा जाता है। तो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को भी, और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा।